टाटा की एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें हमें ना सिर्फ इंश्योरेंस कवर मिलेगा बल्कि हर साल लाखों तक की फिक्स्ड इनकम भी मिलेगी। कौन सी है ये स्कीम और इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि इंश्योरेंस के साथ ही साथ फिक्स्ड इनकम भी देता है। तो एक एक करके जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल। तो हम इस वीडियो में बेसिकली टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस प्लान के फॉर्चून गारंटी प्लस पॉलिसी की बात करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं कि आखिर ये पॉलिसी क्या है। तो इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि ये मार्केट से अनलिंक्ड है, यानी कि मार्केट में अगर कोई भी उतार चढ़ाव भी आता है तो उसका असर इस पे नहीं होगा। इसमें हमें कुछ टाइम तक एक फिक्स्ड इनकम मिलती है और कुछ टाइम के बाद हमारा जमा किया हुआ सारा प्रीमियम हमें वापस मिल जाता है। हमें इसमें फिक्स्ड इनकम कब तक चाहिए ये ड्यूरेशन भी हम खुद ही चूज कर सकते हैं। जब हम टाटा AIA की फॉर्च्यून गारंटी प्लस पॉलिसी को खरीदने जाएंगे तो हमें दो तरह के ऑप्शन वहां पर मिलते हैं, एक तो है रेगुलर इनकम और दूसरा है रेगुलर इनकम विद क्रिटिकल इलनेस राइडर बेनिफिट। तो अगर हम यहाँ पर रेगुलर इनकम वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। सपोज मेरी एज अभी 25 इयर्स है और मुझे फॉर्च्यून गारंटी प्लस पॉलिसी परचेज करना है, तो मैं टर्म प्लान चूज करना चाहती हूँ 12 इयर्स। इसके बाद मैं यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करना चाहती हूँ 10 इयर्स। इसके साथ हर साल पे करने वाला प्रीमियम मैं चूज कर सकती हूँ 1 लाख रुपीज। अब इसमें से जो मेरा बेसिक सम अशोर्ड होगा वो मैंने चूज किया है 13 लाख रुपीज। तो 1 लाख के एनुअल प्रीमियम पर 10 इयर्स के ड्यूरेशन पर मुझे टोटल 10 लाख का प्रीमियम देना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉलिसी टर्म 12 इयर्स का चूज किया है। तो 10 इयर्स तक प्रीमियम जमा करने पर मुझे 2 इयर्स का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे आने वाले सालों में एक फिक्स्ड इनकम मिलने लगेगी। और अगर मैं यहाँ पर 20 इयर्स का ड्यूरेशन चूज करती हूँ तो फिक्स्ड इनकम के लिए मुझे 13th ईयर के बाद आने वाले 20 साल तक हर साल 1,10,440 रुपीज की फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। अगर मैं यहाँ पर 25 इयर्स के ड्यूरेशन चूज करती हूँ तो मुझे अगले 25 साल तक हर साल 1,10,430 रुपीज मिलते रहेंगे। वहीं पर अगर मैं इनकम की ड्यूरेशन को 30 इयर्स चूज करती हूँ तो मुझे 30 इयर्स तक हर साल 1,08,720 रुपीज मिलते रहेंगे। यहाँ पर हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जरूरत है कि पॉलिसी टर्म और इनकम पीरियड का सम कभी भी 50 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई रेगुलर इनकम पॉलिसी की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे रेगुलर इनकम विद क्रिटिकल इलनेस राइडर बेनिफिट के बारे में। इसमें सपोज पॉलिसी होल्डर ने 10 इयर्स का प्रीमियम पेमेंट ड्यूरेशन चूज किया है और 2 to 3 इयर्स तक प्रीमियम पे करने के बाद उन्हें सडनली कोई भी इलनेस डिटेक्ट हो जाती है जो कि बाकी का प्रीमियम जो होगा उस ड्यूरेशन का वो तुरंत ही माफ कर दिया जाएगा, और जो रेगुलर इनकम कुछ 20 या फिर 25 सालों के बाद शुरू होनी थी वो इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस पॉलिसी की एक बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर बस एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें पॉलिसी होल्डर को अगर कोई भी डिजीज पहले से हो जाता है तो वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लोग काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें कौन सा प्रीमियम चूज करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे लिए पहला वाला प्लान यानी कि रेगुलर इनकम प्लान ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन आप एक बार इस पॉलिसी को अच्छे से जानकर अपने हिसाब से ही प्लान खरीदें। अब हम इस पॉलिसी के बारे में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स एक बार डिस्कस करते हैं। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में हमें लोन फैसिलिटी भी मिलती है और साथ में सरेंडर फैसिलिटी भी मिलती है, लेकिन ये दोनों ही फैसिलिटीज हमें पॉलिसी खरीदने के 2 साल के बाद ही दी जाती है। अब इसके अलावा इसमें मिनिमम एंट्री एज 18 इयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज 60 इयर्स है। तो अगर इस पॉलिसी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे हमने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इस प्लान को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है, आप जोश मनी अवेलेबल है इंस्टाग्राम पर भी, जहां पर आपको मिलेंगे रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स बिल्कुल ही एक एंटरटेनिंग अंदाज में। तो इंस्टाग्राम पर जोश मनी के पेज को जरूर फॉलो करें और उसको फेवरेट्स में ऐड कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी पोस्ट या फिर स्टोरी मिस ना हो। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।